मूंदा बांधी थाना क्षेत्र के दौलरा बाग मुख्य मार्ग पर एसबी क्रेडिट लाइन कंपनी के कर्मचारी के साथ तमंचे के बल पर बदमाशों द्वारा लूटपाट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कंपनी के पैसे का हिसाब करके वापस अपने घर लौट रहे रियाज के साथ दो बदमाशों द्वारा कंपनी के कलेक्शन के पैसे व कई कीमती सामान लूट लिया गया और बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद रियाज ने राहगीर की मदद से डालसो को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काउंटिंग की, लेकिन कोई भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है। क्या घटना हुई आज आपके साथ में? मेरे साथ सर लूट की घटना हुई। क्या हुआ? वही सर, मैं कंपनी में काम करता हूँ लोन की, तो मैं अपना कलेक्शन करके वापस आ रहा था, पीछे से दो लोग आए, मेरे सर पर रिवॉल्वर लगा के मेरे साथ छीना झपटी की, हाथापाई भी की, लेकिन हेलमेट होने की वजह से मेरे मुंह पे हाथों को नहीं लग पाए। मेरी गाड़ी का एकदम लॉक बंद करके मोबाइल छीन के बैग छीन करके ले गए। अच्छा, कितने की लूट हुई है आपके साथ? मेरे साथ सर लगभग समथिंग 15,000 रुपये, और साथ में दो मोबाइल हैं, और मेरे आईडी प्रूफ में जो भी हैं, मेरे आधार कार्ड, पहचान पत्र और एटीएम कार्ड वगैरह हैं, ये सब हैं। अच्छा, किस जगह हुई है ये? ये सर यही हुई है, थोड़ा सा पीछे घटनास्थल से, थोड़ा सा उधर पीछे की तरफ, मैं गाड़ी साइड में को ले आया ना। कौन सा मार्ग पड़ता है ये? मार्ग पड़ता है सर चमरुआ दलपतपुर चमरुआ दौलरा। अच्छा जी, आपने इसी शिकायत की फोन या किसी अधिकारी के पास कॉल करी? सर मैंने फ़ोन कर दिया है 100 नंबर वालों को, बाहर है। ठीक है, बात हुई है, ये क्या मामला था? ये हम गाड़ी पे थे तो 100 नंबर का इवेंट आया, तो हमने एक्नॉलेज किया, उसके बाद हमने फिर कॉलर से बात की, कॉलर के बात किए हुए और पते द्वारा बताए हुए पते स्थान पर हमने एनरूट करके और वहाँ जाकर तत्काल घटना पर पहुँचे। 10-12 मिनट में देखा तो उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ आए, तो लग रही है अब संबंधित थाना की पुलिस भी बुला रखी है हमने, और आगे कार्रवाई इस तरह से होगी। क्या सर, कोई बदमाश को पकड़ा गया जिसे छिपे नहीं थी? हम जब तक आए तब तक कोई वारदात पहले ही हो चुकी थी सूचना से, और हम आए तो काफ़ी लोगों की भीड़ लगी, मैंने ऐसा कुछ किया। क्या घटना हुई आज आपके साथ? मेरे साथ सर लूट की वारदात हुई। कौन से क्या चीज़ ला रहे थे आप? लगभग 10,000 के समथिंग ही था, और मेरे दो मोबाइल थे, बैग पूरा मेरा सब आईडी प्रूफ वगैरह चीज़ था, जो भी सामान था सब ले गए। अच्छा, गाड़ी की चाबी जो लोग थे वो किधर से आए थे? क्या वो सर मेरे पीछे से आए थे, अपाचे गाड़ी थी, ब्लैक कलर में जी। उनका उसका नंबर मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे मुँह पे हेलमेट ढक गए थे, जिधर से नहीं दिखता है, यानी कि उल्टा करके। आपने जब पुलिस को कॉल किया तो मौके पर पुलिस? हाँ सर, उस समय बाद में पुलिस आई, आज समय पुलिस आई है पूछताछ कर लेंगे। अब आपका जाना है, अब सर थाने के लिए बोल रहे हैं। रामपुर के एक ग्राम कुकड़ी खेड़ा विकासखंड सैदनगर में मॉडल स्कूल सिर्फ कागजों पर ही बना है, लेकिन उसमें पढ़ाए जाने के लिए एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। गांव के प्रधान व शिक्षक मित्र ने कई बार बीएसए को जाकर प्रार्थना पत्र दिए हैं कि स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक की तैनाती की जाए, लेकिन अब तक किसी भी अध्यापक की तैनाती नहीं की गई। 7 न्यूज की टीम जब प्राथमिक विद्यालय कुकड़ी खेड़ा पहुंची तो बच्चों ने बताया कि यहां पर एक ही शिक्षक है, जबकि यहां 124 छात्र छात्राओं का पंजीकरण है। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। आप कुकड़ी खेड़ा की प्रधान हैं? हाँ, कुकड़ी खेड़ा की प्रधान हूँ। आपकी शिकायत थी बीएसए के यहाँ पे कि आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं, क्या है मामला? ये इसमें इंग्लिश मीडियम हो रखा है स्कूल, और इसमें सिर्फ एक शिक्षा मित्र हैं, अब वो बच्चों को पढ़ाए हैं उन्हें समारा, और 124 बच्चे हैं इसमें, और हमने बीएसए के यहाँ शिकायत भी कर रखी है, एप्लीकेशन भी दे रखी है लिखकर, लेकिन कोई भी सुविधा भी हो नहीं पाई है। मतलब टीचर नहीं आया यहाँ? कोई टीचर आ नहीं पाया यहाँ पे। आपकी मांग है यहाँ टीचर आए? हाँ, कम से कम दो या तीन टीचर आने चाहिए यहाँ पे। तो ये विद्यालय आपका इंग्लिश मीडियम हो गया है? हाँ, हमारे यहाँ का विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो रखा है। अच्छा, तो एक ही शिक्षा मित्र यहाँ पढ़ा रही है? यह सिर्फ एक शिक्षा मित्र है, अब वो बच्चों को पढ़ाए उन्हें समाधान क्या करें। तो आपकी मांग है? हमारी मांग है कम से कम दो टीचर आने चाहिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के। क्या नाम है बेटा?
नाजिया। नाजिया बेटा ये बताओ आपके विद्यालय में कितने टीचर पढ़ाते हैं? तो वो आपको कैसे पढ़ाती हैं? सर एक वाले क्लास में पढ़ाती हैं और तीसरे वाले क्लास में पढ़ाती है, नंबर आता है तो हमें काम दे देती हैं, हम कर लेते हैं खुद। तो और टीचर आपके विद्यालय में नहीं आए? नहीं सर, एक ही टीचर पढ़ाती हैं आपको। जी सर। बच्चे तो बहुत हैं बेटे, नंबर तो बहुत देर में आता हुआ। क्या नाम बेटा आपका? नेहा। बेटा ये बताओ आपके यहाँ पर क्या टीचर पढ़ाते हैं? सर एक ही टीचर पढ़ाते हैं। जी। अच्छा तो आप लोग कैसे पढ़ते हो फिर? सर जब नंबर टाइम होता तो पढ़ाती हैं, बाकी और कोई टीचर यहाँ पढ़ाना आता नहीं तो काम देती हैं आप, तो आप काम करते रहते हो। अच्छा। जी नाम जानना चाहेंगे मैडम आपका? जी सर मेरा नाम श्रीमती राजवती। राजवती जानना चाहेंगे ये आपका विद्यालय है कुकड़ी खेड़ा है प्राथमिक विद्यालय, ये मॉडल स्कूल हो गया है, आपकी मांग थी कि यहाँ पर कोई भी इंग्लिश मीडियम का टीचर नहीं आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी सर यही कहना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर जल्दी से जल्दी किसी भी टीचर को जो है अवेलेबल कराया जाए। जी मैडम नाम जानना चाहेंगे आपका? जी सर मेरा नाम श्रीमती राजवती। राजवती जी आपका जो प्राथमिक विद्यालय कुकड़ी खेड़ा है यहाँ पर आपको क्या आपत्तियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं ये बताइए। जी सर यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी परेशानियाँ हैं और ये जो है हमारा प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम कागजों में कर दिया गया, लेकिन वैसे जो है कोई मतलब इंग्लिश मीडियम का कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चे हमारे हैं जो है अधिक से अधिक हैं, मतलब 124 बच्चे नामांकित हैं जिसमें कि रियल में रोजाना बच्चे हमारे 195 बच्चे उपस्थित होते रहते हैं। तो क्या सरकार आपने मांग की कुछ उच्च अधिकारियों से यहाँ पर अवेलेबल कराने के लिए टीचरों को? जी सर मैंने जो है एक लिखित में एप्लीकेशन प्रधान जी के माध्यम से भेजी थी और प्रधान जी ने जो है VSA से जो है मौखिक वार्तालाप भी की थी कि भाई हमारे व्यवस्था सही करा गया टीचरों को, तो अभी तक तो कोई मतलब इस तरह का वो नहीं हुआ ना ही टीचरों को कोई मतलब। तब आपकी मांग है कि यहाँ पर टीचर भेजा जाए? जी सर। इंग्लिश माध्यम का? जी। क्या नाम बेटा? नाजिया। नाजिया बेटे आप यहाँ पढ़ते हो स्कूल में, कौन कौन पढ़ाता है आपको, कितने टीचर पढ़ाते हैं? एक मैडम पढ़ाती है। एक ही मैडम पढ़ाती हैं, बाकी खुद पढ़ते हो? जी सर। खुद पढ़ते हो स्वयं? वो जैसे बहुत सारे बच्चे आपके विद्यालय में हैं तो कब कब पढ़ाने आती हैं? एक दो को पढ़ाती हैं, फिर नंबर आता तो पढ़ा देती हैं, हमें काम दे देती हैं हम कर लेते हैं। अच्छा काम दे देती हैं खुद कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम ने जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि वे क्षेत्र की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हुए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अब की बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। नामांकन में लोगों के साथ अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि SSC ST एक्ट का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिसको लेकर हमारी सरकार दलितों की आवाज को बुलंद करेगी। बसपा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे और किन बेसर से चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो पहला मुद्दा है कि जो है मुद्दा क्या, ये उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में हमारी पार्टी का जो राजकीय मुद्दा है जो है उस सदन हिसाब से जो चुका है, और जहाँ तक सवाल उपचुनाव का है उपचुनाव में हम काफ़ी लंबे समय से मेहनत करें जिससे उपचुनाव हुआ है और बड़े पैमाने पर हमने तैयारी की है, निश्चित रूप से इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। इसमें कोई और मुद्दा है इस जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है और हमारी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छा था, बहुत सुंदर था कानून व्यवस्था, इस बात को आप लोग जानते हैं, तो मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊँगा। विपक्ष की भूमिका जो होता है जो है असेंबली में क्वेश्चन करना और लोगों की लड़ाई लड़ना, तो विपक्ष की पूरी भूमिका निभाऊंगा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। अगर आप जीतते हैं तो जनता के लोगों को क्या देंगे? देखिए जनता को तो एक मैं उनके सवालों को उठाऊंगा,
उनकी बात को रखूंगा और जो जो विधायक निधि का जो विकास है उससे विकास का जो पैमाना है उस बड़े पैमाने विकास जो होगा उसमें उसको विकास कराऊंगा। और जो पुलिस पीड़न है बड़े पैमाने पर अत्याचार अन्याय है इसके खिलाफ बिल्कुल बुलंदी के साथ जो इसकी आवाज़ उठाई जाएगी जो है विधानसभा में और लोगों के बीच भी, खाली विधानसभा लोगों के बीच भी, आज भी कल लड़ रहे हैं पहले आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। थाना सिकंदरा पुलिस को काफी लंबे समय से नकली मिलावटी शराब की तस्करी की सूचना लगातार मिल रही थी। 26 सितंबर को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर आवास विकास के सेक्टर 16 में शराब के तस्करों के गिरोह के 5 लोगों को नकली मिलावटी शराब व खाली बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 26 सितंबर 2019 को सिकंदरा पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी में अवैध शराब बनाई जा रही है। तो इस पर हमारी टीम इंस्पेक्टर साहब हरीश अतुल सब इंस्पेक्टर से वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ पर रीपैकेजिंग हो रही थी शराब की। तो 5 लोग अरेस्ट किए गए मौके से और काफ़ी भारी मात्रा में सामान बरामद किया। ये लोग हरियाणा से चीप लिकर लाते थे और इनको मैकडोवेल और अदर ब्रांड्स की बॉटल्स जो कबाड़ी से ख़रीदते थे उनमें रीपैकेज करते थे। इन्होंने ये लोग इसके ढक्कन और जो यूपी एक्साइज की फोर्ज सील और वो सब किसी और से एक्वायर करते थे और इसी तरह से मिक्स करके वापस किसी थर्ड पार्टी को बेचते थे जो रिटेल में आगे बार्स और वहाँ बेचता था। तो इसमें हम पूरी इनकी सप्लाई चेन के काफ़ी लोग 5 लोग पकड़े हैं लेकिन बाकी लोगों पर भी काम किया जा रहा है और वो भी जल्दी पकड़ी जाएगी। इन लोगों में से एक जो मेन है उसका नाम है सुधीर गुप्ता, वो पहले भी सिकंदरा से 2 बार पकड़ा जा चुका है। इस पर काफ़ी मुकदमे हैं, इसका आपराधिक इतिहास है तो हम इस पर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। कहाँ से लेके आते थे? ये हरियाणा से लाते थे। इम्पैक्ट शराब है जो आती थी तो 36 पेटी इम्पैक्ट 432 बोतल हमने रिकवर की है और इसको ये बेचते थे मैकडोवल वाले सीसी में भरकर और इंपीरियल ब्लू में जो हमने रॉयल चैलेंजर भी है रॉयल स्टेक इन सब में ये रिफ़िल करके बेचते थे। तो इसमें इन ये मिश्रित भी करते हैं तो इसमें कुछ और भी अपने करते हैं तो जो जहरीली और हानिकारक हो सकती है। तो हम लोगों को सचेत करते हैं कि आप एक्साइज की दुकानों से ही जहां ब्रांडेड है वहीं से खरीदिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश और पुलिस के बीच कई राउंड फायर हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है जिन्हें CSC में भर्ती कराया गया है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला, क्या कितने बदमाश पकड़े गए, क्या क्या इनसे बरामद की है? ये थाना बाबूगढ़ में चेकिंग लगी हुई थी बॉर्डर पे, मेरठ और हापुड़ के बॉर्डर पे लोटा और किठौर के बीच में। तो एक काली अपाची से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, चेकिंग को देख कर वो भागा गाड़ी बैक करके, जिसका जब पुलिस ने पीछा किया तो इसने फायर किया और गोली जो है हमारी PC8 के फ्रंट पे लगी। हमारी तरफ पुलिस की तरफ से भी बचाव में जब फायरिंग की गई तो उसको गोली पैर में लगी है और जिसे CSC हॉस्पिटल लाया गया है। ये पूछताछ में पता चला कि ये सलमान उर्फ छोटे हैं जो किठौर का रहने वाला है और इसके ऊपर चोरी लूट जैसे 20 संगीन मुकदमे इसके ऊपर हैं। और पूछताछ में ये भी पता चला कि ये शातिर लुटेरा और चोर। कहीं से इनामी अभी है? इनामी अभी आगे पूछताछ हो रही है, अभी तो वो घायल है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।